Hello dear friends, Vande Mataram, welcome again. Welcome to a new lecture of the alcohol, phenol and the ether. So, abhi hum start karne ja rahe third portion of the chapter which is ether. So, let us begin with the ether. How can we identify that given organic compound is ether? Suppose if there is aliphatic or aromatic ring with the hydroxyl group, if aliphatic ring, then this is alcohol as we know. If there is aromatic ring, aliphatic compound के साथ अगर hydroxyl है, then aromatic, aliphatic के साथ directly है, then phenol. तो ये aliphatic हो या aromatic हो, दोनों में से अगर हम hydrogen को replace करके किसी भी suitable carbon group को जोड़ते हैं, whether it is R, OR or AR, aliphatic भी हो सकता है और aromatic भी हो सकता है, so that compound is known as ether. So simply carbon, oxygen, carbon is nothing but the ethers. Wahi dosto ethers hai. Okay, let us see. So ether ke liye dosto, first of all we are going to discuss some term as far as NCERT syllabus. I repeat dosto, pehle hum kya baat karne ja rahe jo NCERT mein de rakha hai, theek hai. So ether ke liye kya de rakha hai dosto, as far as NCERT, common names of the ether are derived from the names of alkyl or allyl groups written as a separate words in alphabetical order and adding the word ether at the end. They are ethers. For example, so ether ke liye hamare paas ek compound hai, so aap dekh sakte ho with the oxygen this given group is methyl, then ethyl, so we can write methyl ether, but alphabetical order mein first kon aayega, ethyl, so ethyl then methyl, इसके बाद लास्ट में ऐड करना होगा इथर, सो वी कैन राइट इथाइल मिथाइल इथर, सिंपल. आई रिपीट दिस इज इथाइल मिथाइल इथर. सपोज अगर दोस्तों इस तरह का ग्रुप है CH3OCH3, देन बोथ आर इक्वल, सो वी डिडंट हैव टू राइट मिथाइल मिथाइल इथर, दिस इज एक्चुअली अ डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर. यहीं पे सपोज दोस्तों अगर फिनाइल रिंग है, समझना दोस्तों फिनाइल रिंग, इसको फिनाइल ही समझना है, PHY, फिनाइल से स्टार्ट करना, सो स्टार्टिंग फ्रॉम P, स्टार्टिंग फ्रॉम M, M स्टूड फर्स्ट, सो दिस इज मिथाइल देन फिनाइल एट द एंड इथर, दिस इज मिथाइल फिनाइल इथर. दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ द गिवन इथर्स. What about the IUPAC nomenclatures? Here we have some compounds with the common in the IUPAC nomenclature. Okay, this table is from again from the NCERT textbook. इसमें दोस्तों आपको ये टेबल देखने को मिलेगा. So इसका IUPAC nomenclature हम किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए हमको थोड़ा बहुत पास्ट में जाना पड़ेगा. पास्ट इट मीन्स हमको 11th साइंस याद करना होगा दोस्तों. फ्रॉम दी फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द ईथर, आपने दोस्तों वहां पे यह पढ़ा था, सपोज CH3O CH2CH3, सो सिंपली आपने यह कहा था जो बड़ी चेन हो उसको एज यूजुअल पीछे लिखना है एज अ प्रेफिक्स, एज अ सफिक्स, सॉरी इथेन, और छोटी चेन को दोस्तों प्रेफिक्स लगाना है एल्कोक्सी, सो मिथेन एल्कोक्सी मींस मिथॉक्सी, सो दिस इज मिथॉक्सी इथेन, ये और कुछ नहीं है, मिथॉक्सी इथेन है. बट दोस्तों अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड है, सपोज CH3CH CH3 एंड दिस इज OCH3, सो फिर से देखो ये छोटी चेन होगी और ये चेन हुई बड़ी, तीन कार्बन. सो यहाँ पे अगर आप IUPAC नंबर नोमेनक्लेचर करना चाहो तो बड़ी चेन को दोस्तों नंबर देना पड़ेगा, सो यू कैन गिव नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 और हियर 1 2 3, इन दी बोथ केस नंबर टू पे दोस्तों ये अल्कोक्सी ग्रुप आ रहा है, ओके, बाद एक ही कार्बन मेंबर है, इट मींस मिथाइल, सो वी कैन राइट कार्बन मेंबर, इट मींस मिथॉक्सी कहाँ पे, ऑन द नंबर टू, सो वी कैन राइट टू मिथॉक्सी, देन कितने दोस्तों कार्बन है, थ्री कार्बन है, प्रोपेन, सो इट इज एक्चुअली टू मिथॉक्सी प्रोपेन. सिमिलर वे सपोज दिस इज बेंजीन, अगर ये बेंजीन है और उसके साथ आपको OCH3 लिखना है, सो दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन. ओके, और इसी तरह अगर इथाइल है,
C2H5 या फिर CH2CH3 इन दैट केस दैट शुड बी इथॉक्सी बेंजीन. दिस मिथॉक्सी बेंजीन एंड इथॉक्सी बेंजीन इज नोन एज द एनिसोल एंड द फेनिटोल विच वी आर गोइंग टू लर्न. उसके कॉमन नेम को ही दोस्तों नाउ डेज IUPAC ने कंसिडर किया है. किसकी बात कर रहे हैं हम? OCH3 मीन्स मिथॉक्सी बेंजीन दैट इज एनिसोल. उसको दोस्तों बोला जाता है एनिसोल, नोन एज अ एनिसोल. और जो इथॉक्सी बेंजीन है उसको हम बोल रहे हैं फेनिटोल. ओके सो दोस्तों फिर से वो टेबल की ओर जा रहे हैं. सो यहाँ पे हमको कुछ टॉपिक्स सॉरी कुछ कंपाउंड दे रखे हैं CH3O CH3. अगर इसका कॉमन नोमेनक्लेचर करना है मिथाइल एंड मिथाइल इट मीन्स डायमिथाइल इथर. यू कैन सी डायमिथाइल इथर. अब इनमें से छोटी चेन कौन सी है? किसी को भी एक को बिग चेन कंसिडर करो, एक को शॉर्ट. Then it is methoxymethane. So you can see the IUPAC norm methoxymethane. Similar way ethyl and ethyl. So it is diethyl ether, or you can write IUPAC name ethoxyethane. But here you can see this is CH3O and this is CH2CH2CH3. So it must be right at the end. So propane last mein hoga. Propane ke sath kya hai? Methoxy. This is methoxy propane. Kaun se number pe hai? On the number one. So, यहाँ पे आप इसका नोमेनक्लेचर लिख सकते हो मिथॉक्सी प्रोपेन. पर्टिकुलर दोस्तों इस तरह का कॉमन कंपाउंड हो स्ट्रेट लाइन में तो यहाँ पे आपने जो नंबर वन लिखा है वो लिखो तो भी ठीक है और ना लिखो तो भी ठीक है. बट अगर कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है जो एग्जांपल हमने आगे देखा था, मैं फिर से यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमने देखा था. अगर इस तरह का एग्जाम्पल है देन नंबरिंग इज कंपल्सरी. सो ऑन द नंबर टू that methoxy is there. So 2-methoxy propane tha. Here you can see CH3 and C6H5. C6H5 is nothing but the phenyl ring. Wo dosto phenyl ring here. I mean to say benzene ring here. So this is methoxy benzene. Methoxy benzene ke liye dosto maine aapko wahi pe bata diya tha kaun sa naam consider kiya gaya hai. That is anisol. Anisol hai. Methoxy benzene. सॉरी ये मिथाइल फिनाइल इथर नॉर्मल नेम मिथाइल फिनाइल इथर. उसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी बेंजीन. दोनों जगह पे दोस्तों एनिसोल. एनिसोल एक्चुअली उसका कॉमन नेम था विच नाउ कंसिडर एज IUPAC नेम बाय द IUPAC. ठीक है सो इसको एनिसोल को ही हम कंसिडर करते हैं. सपोज वहां पे CH2CH3 है. सो इफ दिस इज मिथाइल फिनाइल इथर देन दिस शुड बी दिस इज इथाइल. This is phenyl and ether. So you can see ethyl, phenyl, ether. Very simple. इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? Phenytoin. If this is anitol, anisol, then this is known as a phenytoin. You can see PHENETOLE. Phenytoin. यहीं पे दोस्तों जैसे ऊपर anisol लिखा था आप चाहो तो लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? Phenytoin. Yes. Phenytoin is considered as a IUPAC name also. Here, अभी दोस्तों C6H5O. उसके बाद CH2CH2CH2 सिक्स टाइम देन CH3. तब दोस्तों क्या लिखना है? 7 कार्बन इट मीन्स हेप्टाइल. और ये फिनाइल IUPAC नोमेनक्लेचर में एच पहले आएगा. सो हेप्टाइल फिनाइल इथर. ओके अभी दोस्तों क्या करना है? बड़ी चेन यहाँ पे टोटल कितने मेंबर है? 7 मेंबर. इन द रिंग 6 मेंबर. सो फिनोक्सी फिनाइल को क्या लिखना पड़ेगा? फिनोक्सी हेप्टेन. यू कैन सी 1-phenoxyheptane. क्लियर. So this is known as a 1-phenoxyheptane. Here, यही example है दोस्तों जो हमने ऊपर लिखा है. कुछ अलग तरीके से लिखा और कुछ नहीं है. 1, 2 and 3. So on the number 2 methoxy group is there. So 2-methoxy propane, which is known as a methyl isopropyl methyl isopropyl ether. Then यहाँ पे दोस्तों देखो ये C6H5. This is our phenyl and this is 1, 2, 3, 4. At the second last carbon methyl. अगर second last पे methyl है, 1-methyl group is iso. अगर दो है then नहीं हो, एक ही है, so ये होगा iso. Total carbon कितने हुए? 1, 2, 3, 4 and 5. So isopentyl, phenyl and isopentyl. So phenyl isopentyl ether. Okay, यहाँ पे दोस्तों अगर ठीक से देखा जाए तो ये common nomenclature में कुछ भूल है. क्या मिस्टेक है? यू कैन सी इसको लिखना होगा आइसोपेंटाइल फिनाइल इथर. क्यों? एज पर एज IUPAC रूल दोस्तों पहले क्या आएगा? आइसो. और अगर आपके पास कोई प्रेफिक्स है लाइक डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा उसको आप IUPAC में कंसिडर ना करो बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेम. दे आर जस्ट प्रेफिक्स.
बट आइसो एंड नियो अपने 11th में पढ़ा था दैट आइसो एंड नियो इज द पार्ट ऑफ द नेम सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द आई नॉट फ्रॉम द पी सो दिस इज आइसो सो अल्फाबेटिक ऑर्डर में दोस्तों आई पहले आएगा उसके बाद पी आएगा सो आइसो फिना पेंटाइल फिनाइल इथर रूल वाइज दोस्तों देखा जाए इसमें बड़ी चेन कौन सी यहाँ पे 6 मेंबर है सो यही बनेगा बेंजीन बेंजीन पे वन नंबर के कार्बन पे सॉरी बेंजीन के कोई एक कार्बन की क्या है दोस्तों 1, 2, 3, 4 and 5 हमारे पास वहां पे है अगर सब नंबरिंग करें 1, 2, 3 and 4 एट द नंबर 3 मिथाइल सो 3 मिथाइल ब्यूटाइल आई रिपीट 3 मिथाइल ब्यूटाइल उसके बाद दोस्तों उसको अल्कोक्सी लिखना है सो 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन हियर यू कैन सी 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन सिमिलर वे यहाँ पे दोस्तों 2 टाइम्स CH3OCH2CH2OCH3 सो यहाँ पे अगर ठीक से लिखा जाए 1 and 2 ऑन द नंबर मिथोक्सी ऑन द नंबर 2 मिथोक्सी सो दिस इज मिथोक्सी दिस इज ऑल्सो मिथोक्सी 1 and 2 सो 1, 2 डाई मिथोक्सी टोटल नंबर यहाँ पे कितने बचे इथेन 2 कार्बन सो इथेन देन हियर यू कैन सी दोस्तों ये क्या होगा एक्चुअली हमारा इथोक्सी और ये होगा साइक्लोहेक्सेन बट इथोक्सी साइक्लोहेक्सेन में दोस्तों अगर ठीक से देखा जाए सपो दिस इज 1 and 2 सो 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है सर यहाँ पे तो 1 नंबर पे लिखा है यस ये राइट है टेक्स्ट बुक वाला क्यों क्यों हमने लिखा हो रॉन्ग है बिकॉज एज पर एज रिएक्टिविटी चेन अल्काइल ग्रुप आर मोर रिएक्टिव देन ईथर ये दोस्तों आपने पढ़ा था सो यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर सो एट द नंबर 1 एट द नंबर 2 2 मिथाइल्स आर देयर सो 1 1 डाइमिथाइल उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दिस इज इथोक्सी साइक्लोहेक्सेन सो आप इस तरह से लिख सकते हो जहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा वो भी राइट है और आपने जो पैटर्न आपके लिए सुटेबल है दैट इज 1 1 डाइमिथाइल देन आपको ये ऐड करना है 2 इथोक्सी साइक्लोहेक्सेन दैट इज ऑल्सो राइट फिनोमिना सो दिस इज ऑल अबाउट द सम IUPAC एंड कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ द सम गिवन कंपाउंड्स दोस्तों यहाँ पे जितने कंपाउंड टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उतने ही प्रैक्टिस करने हैं और उतने में ऐसे ही आएगा ऐसा कुछ नहीं है दे आर जस्ट फॉर दी सैंपल ये भी हो सकते हैं और इसके अलावा भी हो सकते हैं सो बाय कंसेप्ट आपको सॉल्यूशन करना है यही जितने एग्जांपल है उतने एग्जांपल को रट्टा नहीं मारना है अभी जो दोस्तों हमने किया है उसी के लिए कुछ आपके पास यहाँ पे पॉइंट है यू कैन सी इफ बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर द सेम जो कॉमन नोमेनक्लेचर में हमने पहले लिखा था वही दोस्तों बात है देन आपको कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या करना पड़ेगा यू हैव टू यूज प्रेफिक्स डाई एडेड बिफोर द अल्काइल ग्रुप देन सपोज इथोक्सी इथेन और सॉरी इसका कॉमन नेम होगा डाइथाइल इथर अभी अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या करना है ये लिखा हुआ है जो हमने ऑलरेडी दोस्तों देख लिया है सो ये पॉइंट में जल्दी से आगे बढ़ रहे हो दो ऐसे कंपाउंड है जिसका हमको IUPAC नेमिंग करना है एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी एक्सरसाइज और फ्रॉम दी एग्जाम्पल दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन होगा यू कैन सी टोटल कार्बन 1 and 2 यार 1, 2 and 3 सो ये मेन होगी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो तो भी दोस्तों दो नंबर मिलेगा जहाँ पे इथोक्सी ग्रुप है और नीचे से स्टार्ट करो सपोज यू स्टार्टिंग फ्रॉम हियर तब भी नंबर 2 ही मिलेगा सो On the number 2, this group is attached, which is known as the ethoxy. So we can write 2-ethoxy. Then kitne carbon? 3 carbon. It means propane. 2-ethoxy propane. Very simple. Abhi to sir humne sikha tha. Wahi hai. So easy hoga. There is one more compound. So yahan pe naming mein yaad rakhna dosto. Ether is more reactive than nitro. So 2 pe nitro. Wahan pe dosto numbering maine upar se start ki thi. अभी जो आगे थोड़ी देर पहले देखा 1-1 मिथाइल देन इथोक्सी साइक्लोहेक्सेन था यहाँ पे नाइट्रो पहले कर दिया क्यों सॉरी इथोक्सी को मैंने नंबर पहले दे दिया क्यों हियर इथर ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रो सो वी कैन राइट 2 नाइट्रो देन इथोक्सी नॉट हेक्सेन ओनली हेक्सेन दिस इज साइक्लोहेक्सेन So you can write 2-nitro-ethoxy-cyclohexane simple. I hope दोस्तों ये सभी को आप सभी को ये दोनों ग्रुप का nomenclature पता चल गया होगा. Now structure के बारे में दोस्तों
अभी ये स्ट्रक्चर की आपको फिर से नोट बनाने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी हमने देख लिया है। बट फिर भी अगर यहाँ पे दोस्तों कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ दिस अल्काइल चेन अगर OH होता कुछ इस तरह से, देन ये एल्कोहल होता। और अगर दोस्तों ये OH के अलावा दूसरी चेन में एरोमेटिक रिंग होती देन ये फिनोल होता, और ये दूसरी चेन भी हाइड्रोजन होती देन ये H2O होता। सो इन तीनों से कुछ हद तक दोस्तों इक्वल लग रहा है, पर फिर भी क्या डिफरेंस है? दिस इज मिथॉक्सी मिथेन। यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड लेंथ दैट इज 141 पाइकोमीटर, और जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज होकर कितना हो चुका है 111.7। सो ये स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा आपको ध्यान देना नहीं है, एक्चुअली ये भी नहीं कह सकते, आपको याद रखना है, ऐसा भी नहीं ये आपके काम का नहीं है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दो तो भी चलेगा, ये आपके लिए इजी होगा। अभी दोस्तों जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे सम अदर टाइप्स ऑफ इथर, एक्चुअली दिस इज फॉर द JEE एंड नीट, नॉट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। दे आर क्राउन इथर्स। क्राउन इथर क्या है दोस्तों? एक्चुअली क्राउन इथर हमारे साइक्लोइथर्स होते हैं, बट साइक्लोइथर्स में भी क्या पॉलीसाइक्लोइथर्स, एक से ज्यादा इथरियल ग्रुप होते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, हियर आपको दिख रहा दैट दिस इज कार्बन CH2CH2O, इसको दोस्तों नाम दिया गया है 12 क्राउन 4। 12 इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट, नॉट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन, टोटल पार्टिसिपेंट। यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, so 12. Then crown 4, 4 indicates the number of oxygen. Here you can see total number of oxygens, 1, 2, 3, and 4. Okay, one another example is here. 18 crown 6, अभी आपको पता चला होगा total member कितने होंगे 18, और वहां पे दोस्तों ऑक्सीजन कितने होंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे जो कंपाउंड दे रखा है क्राउन, इसकी एक और टेंडेंसी भी है, ये अगर इसके सेंटर में हम कोई मेटल रख दे, इसके सेंटर में जिस सपोज कुछ इस तरह से, सो मेटल के साथ भी दोस्तों वो आयोनिक फॉर्म बना सकता है क्राउन इथर, समथिंग लाइक दिस। क्राउन इथर हैव एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस विथ पॉजिटिव आयंस लाइक Na+, K+, लिथियम+, एक्सेट्रा। बाई दिस प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड कैन बी मेड टू डिजोल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैविंग सम क्राउन इथर्स। फिर से दोस्तों इससे क्या होगा, ये प्रॉपर्टी से आपको यूज क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड कैन बी मेड टू डिजोल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ज्यादातर केस में दोस्तों आयोनिक कॉम्प्लेक्स को अगर सोल्यूबल बनाना है आप मेजोरिटी एज अ सॉल्वेंट, वॉटर इज सपोज आपके लिए यूजफुल हो सकता है, बट सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूजफुल हो सकते हैं, बट अगर ये तरह की प्रॉपर्टी रही तो ये Na+, K+, Li+ अगर इस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं इन दी सेंटर ऑफ द क्राउन तभी यह पॉसिबल है। अभी ये यहाँ पे दोस्तों जो हमारा क्राउन इथर रिंग है उसको हम बोलेंगे होस्ट, मतलब उसने पार्टी होस्ट किया, उसकी जगह घर पे जो गेस्ट आने वाले हैं दे आर मेटल आयंस लाइक दिस। ओके यू कैन सी दिस इज 15 क्राउन 5, यू कैन सी दिस इज 15 क्राउन 5 विद द Na+, यू कैन सी ये Na+ सेंटर में आ गया। सो ये होस्ट है और ये है हमारा गेस्ट, दिस इज होस्ट एंड दिस इज गेस्ट। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और साइक्लिक इथर्स पॉसिबल है, फिर से ये पॉइंट भी दोस्तों अगेन फॉर द JEE नीट, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम, दे आर इपोक्साइड और ऑक्सीडेंस। इस तरह के साइक्लिक इथर जो आपको कंपाउंड दे रखा है दोस्तों, ये दोनों एक ही है CH2CH2O, सो 1 and 2, 1, 2 इपोक्सी इथेन और इथिलीन ऑक्साइड। सो इपोक्साइड आयर साइक्लिक इथर इन विच 3 मेंबर रिंग इज प्रेजेंट। फिर से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2 and 3, सो एट द नंबर 1 and 2 रिंग इज प्रेजेंट, सो 1, 2 इपोक्सी, टोटल मेंबर 3, इट मीन्स प्रोपेन, और यू कैन से प्रोपिलीन ऑक्साइड ऑल्सो। इसकी मेकिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, हाउ कैन यू मेक द इपोक्साइड और इपोक्सी रेजिन,
बट फिर भी अगर दोस्तों कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. यू कैन मेक इजिली फ्रॉम दी एल्किन बाय दी ऑक्सीडेशन. सो बाय दी ऑक्सीडेशन ऑफ इथिलीन, इथिलीन और इथिन, यू कैन से आप इथिलीन और इथिन कह सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट, सिल्वर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एट दी 250 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको दोस्तों कैल्विन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, 250 प्लस 273, देन योर टेम्परेचर शुड बी कन्वर्ट इनटू कैल्विन. सो CH2 CH2 में से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों के पास एक ऑक्सीजन आ जाएगा. सो योर स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस, दिस इज नथिंग बट दी ऑक्सीडेंस और 1,2-epoxy इथेन. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथिलीन, ये भी दोस्तों ऑक्सीडेशन है, बट किससे दोस्तों, दिस टाइम पेरोक्सी एसिड. पेरोक्सी एसिड आप सबको पता है, ऐसा एसिड जिसमें देर इज ए वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज देयर. सॉरी, एक्चुअली आप जनरल केस में क्या सपोज करते हो, टू ऑक्सीजन, बट इन दी पेरोक्सी एसिड थ्री ऑक्सीजन आर देयर और उसमें से दो दोस्तों पेरोक्साइड फॉर्म में हो गए. सो पेरोक्सी एसिड से जब भी काम करेंगे, पेरोक्सी एसिड में से दोस्तों बीच में से पेरोक्साइड रिंग में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा. सो यू विल गेट नॉर्मल एसिड फ्रॉम दी पेरोक्सी एसिड, यू विल गेट नॉर्मल एसिड. और ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा, ये पाई बोन ब्रेक करके वहां पे एडजस्ट होगा. सो यू विल गेट 1,2-epoxy इथेन. हियर अगेन बेंजोइक पेरोक्सी एसिड, यहाँ पे भी दोस्तों यही चीज होगी, ये पाई बोन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन एड होगा और यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस. थर्ड प्रिपरेशन फॉर दी दिस टाइप्स ऑफ इथेन और साइक्लिक इथेन इज बाई ट्रीटमेंट ऑफ इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन विथ NaOH. सो NaOH से इसकी रिएक्शन करनी है, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन. दोस्तों इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन और कुछ नहीं है, दिस इज इथिलीन, दिस इज हाइड्रिन एंड दिस इज क्लोरो. सो ClCH2CH2OH इज इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन विच इज गिवन हियर. उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करने से ये हो सकता है, बट फॉर दैट आपको ये पता होना चाहिए इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन कैसे बनेगा, रिएक्शन विद दी HOCl, ये बॉन्ड ब्रेक होकर आपको पता चलेगा इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन. जिसकी NaOH से रिएक्ट करने के साथ भी आपको क्या मिल सकता है, यू विल गेट अगेन दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको मिलने वाला है 1,2, here you can see 1,2-epoxy इथेन. क्लियर है, ये भी फिर से दोस्तों एक्स्ट्रा है, ओनली फॉर JEE नीट और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जस्ट सपोज कुछ साइक्लिक इथर्स की बात कर रहे हैं, सो ये इपोक्साइड कंपाउंड है जिसकी हमने बात कर दी है. दोस्तों ये कुछ अलग तरह के इपोक्साइड है. जनरल केस में इपोक्साइड में आपने क्या देखा था, सर दो नियरेस्ट मेंबर के साथ ऑक्सीजन होगा, यही था. यहाँ पे दोस्तों दो नियरेस्ट मेंबर के पास नहीं है, चेन में है, साइक्लिक चेन कुछ इस तरह से है. ठीक है, CH2 CH2 CH2. सो जो नियरेस्ट मेंबर में था वो इपोक्सी चेन को हम 1,2 बोलते थे. यहाँ पे दोस्तों अगर आप नंबरिंग करते हो, जस्ट सपोज आपके पास कुछ इस तरह से कार्बन कार्बन एंड कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, देन यू हैव टू स्टार्ट गिव नंबरिंग लाइक दिस 1 एंड 3. जो जनरल केस में 1,2-epoxy रेजिन होता है उसकी जगह पे 1,3 होगा. हियर यू कैन सी 1,3-epoxy प्रोपेन और ऑक्सीडेन. देन ऑक्सेलोन ऑल्सो नोन एज अ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, देन फ्यूरान, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट साइक्लिक इथर, 2-ethyl, 5-methyl फ्यूरान. ये फ्यूरान ही है दोस्तों, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, मिथाइल और इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया है, C2H5 एंड CH3. देन ऑक्सेन, और ऑक्सेन में अगर दोस्तों अनसेचुरेशन लाया जाए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाल ले दोनों साइड से, देन ऑक्सेन से क्या बन जाएगा, यू विल गेट पायरेन. टेट्राहाइड्रोपायरेन इज ऑक्सेन, ऑक्सेन से पायरेन, देन डायऑक्सेन. ये सभी याद रखना है, यस याद रखना है अगर आपको कॉम्पिटिटिव में कुछ ज्यादा हद तक सोचना है, बट अगर आप एडवांस लेवल तक नहीं जाना चाहते देन इसके लिए आपको ज्यादा वरी नहीं करना है. बट यस आपको अगर कॉम्पिटिटिव में कुछ एडवांस लेवल तक जाना है तो याद रखना ही होगा. इसकी दोस्तों यूजेस आने वाला है इन दी डिफरेंट रिएक्टिव
क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन होंगे रिएक्शन के, वहां पे इसको हम यूज करेंगे, नॉट ओनली फॉर द इथर, इवन वी आर गोइंग टू यूज इन द एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो। देन अभी दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है वो तो कॉमन इसी तरह से ऑक्सीजन, हमने जो पढ़ा था ये ऑक्सीजन ही है। इसी में दोस्तों ये कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे कार्बन चेन ऐड की जाए, यू कैन सी ये दोनों को रिप्लेस करके वहां पे मिथाइल ऐड किया है, यहाँ पे एक ही में ऐड किया हुआ है। और ये तो आपको पता ही, अगर सीएल ना देखा जाए देन 1,2 इपोक्सी प्रोपेन, अभी यहाँ पे क्लोरीन भी है, सो दिस इज 2-क्लोरोमिथाइल ऑक्सीजन, ये होगा 2-क्लोरोमिथाइल ऑक्सीजन। ओके, इसकी भी दोस्तों नोट्स बना देनी है, यूजफुल होगा फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ प्रिपरेशन ऑफ द ईथर, दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ द ईथर में भी हम दोनों काम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू वर्क एनसीईआरटी लेवल एज वेल एज एक्स्ट्रा, आई मीन टू से फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बोर्ड लेवल, दोस्तों ये एनसीईआरटी प्रिपरेशन है विच इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जनरल केस में दोस्तों किस तरह से हो सकता है, यू कैन मेक डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड एट हायर टेम्परेचर, H3PO पर एट हायर टेम्परेचर, ये हो सकता है दोस्तों। बट यहाँ पे दिक्कत है क्या है कि अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करने में और कंडीशन मेंटेन करने में अगर एबल नहीं हो, थोड़ी सी भी अगर यहाँ पे चूक हुई, देन एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्किन भी बन सकता है दोस्तों, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था। सपोज दिस इज ROH एंड दिस इज ROH, अगर आप यहाँ पे ठीक से कंडीशन मेंटेन करते हो तो इस तरह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, -H2 एंड यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस ROR, इतना पोर्शन निकल जाएगा। बट अगर यहाँ पे अपने कंडीशन ठीक से मेंटेन नहीं की तो OH एंड H फ्रॉम द इनर साइड, OH एंड H फ्रॉम द इनर साइड, ट्वाइस H2 निकल के आपको इन प्रेजेंट सॉरी इन प्लेस ऑफ इथर यू विल गेट एल्किन, आपको वहां पे एल्किन मिल सकता है। यू कैन सी द कंडीशंस। सपोज फॉर द इथेनॉल, अगर मैं 2 मोल इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर, सो दोनों में से दोस्तों OH एंड H निकल के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2 निकल के आई विल गेट 2 मोल्स ऑफ इथेन। बट अगर दोस्तों यहाँ पे मैं 2 मोल्स ऑफ CH3CH2OH और C2H5OH से रिएक्ट कर रहा हूँ, फिर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में, बट टेम्परेचर कम है, इन दैट केस क्या होगा दोस्तों, OH फ्रॉम दी वन इथेनॉल एंड H फ्रॉम दी अनदर इथेनॉल, H2 निकलेगा, ओनली वन H2 निकलेगा एंड यू विल गेट इथॉक्सी इथेन। ये रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल इथर्स मिलेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगेन सी ओके दोस्तों, ये एनसीईआरटी पोर्शन ही है, इसको पढ़ना है, समझना है, सोचना है। कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे जो आपको ये पैराग्राफ से समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए दोस्तों कुछ ऐड किया हुआ मैंने स्लाइड में, एट द एंड आपको ये पैराग्राफ में जो भी वर्ड समझ में ना आए वो भी आप इजीली समझ पाओगे, बट फॉर दैट आपको एंड तक बने रहना है। हियर यू कैन सी एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल टू गिव एन एल्किन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू द गिवन ईथर, वो भी इथर से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली वहां पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट इथर, देन वी विल गेट एल्किन। सो द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथर्स हैविंग अ प्राइमरी एल्काइल ग्रुप ओनली। सपोज दोस्तों आपको इस तरह के CH3 और CH3 चाहिए, देन दिस मेथड इज सुटेबल। अगर आपको यहाँ पे ये 2 डिग्री या 3 डिग्री होना है, सो ये रिएक्शन आपके लिए दोस्तों ज्यादा सुटेबल नहीं हो सकती। द एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंड्रेड एंड द टेम्परेचर बी कैप्ट लो। अनहिंड्रेंस मीन्स वॉट, सपोज ये जो कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अगर इसके साथ बल्किनेस जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े कार्बन ग्रुप से, इट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर, इसके पास हिंड्रेंस है, बहुत सारा ग्रुप है, बल्किनेस है। बट इसके साथ अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली हाइड्रोजन और ओनली वन कार्बन चेन इज देयर, सो अनहिंड्रेंस, उसके आजू बाजू में दोस्तों इतनी भीड़ नहीं है,
इतनी इंड्योरेंस नहीं है, सो अनइंड्योरेंस होनी चाहिए और टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्किन। आप ये एग्जाम्पल में दोस्तों देख सकते हो, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ आपको एल्किन मिल गया, टेम्परेचर भी लो रहना चाहिए एज वेल एज ये जो आपका एल्कोहल है वो भी दोस्तों नॉर्मल होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन ज़्यादा सुटेबल हो सकती है। देन तो रिएक्शन फॉलो SN1 पाथवे, रिएक्शन किस तरह से होगी, SN1 होगी। व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शरी अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, आगे की क्लासेस में, मिंटू से हिंदी कॉलेज आप ये पढ़ोगे, ये NCERT का मानना है, बट यही दोस्तों ट्वेल्थ में भी कॉम्पिटिटिव के लिए तो आपको यह समझना ही पड़ेगा, बट इन लोगों का मानना है सेकेंडरी टर्शरी के लिए क्या होगा, आपको हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मैं आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा आज ही के लेक्चर में। However, dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination completes over substitution. As a consequence, alkene is easily formed. So, दोस्तों अगर secondary में या फिर tertiary में ये हम काम करना चाहे, suppose यहाँ पे CH3, CH3, CH3OH, अगर मैं 2 मोल प्रॉप 2 मिथाइल, I repeat, this is 2-methylpropane-2-ol. If I am taking 2 moles of 2-methylpropane-2-ol, so वहाँ पे दोस्तों ये OH और एक H निकल के इथर बनने की बजाय यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के एल्किन बनना इजी होगा। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमको मिलेगा एल्किन। ये कैसे होगा दोस्तों आज ही के लेक्चर में पढ़ेंगे। There is one question for you guys. Can you explain why bimolecular, I mean to say, SN2 dehydration is not appropriate for the preparation of ethyl methyl ether? अगर आपको ethyl methyl ether बनाना है और उसके लिए ये SN2 क्यों appropriate नहीं है, वो दोस्तों as answer आप मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन दी और आगे दोस्तों ऐसा हुआ है इन दी MCQ, एक्चुअली ये साइड इंफॉर्मेशन रहती है जो NCERT टेक्स्ट बुक में दी गई है, बट यूजफुल है सो मैंने आपके सामने रख दी। यहां से भी कभी MCQ आ चुके हैं। सो डाइथाइलिथर इज C2H5O C2H5 इज यूज एज अ लोकल बॉडी एनेस्थेसिया widely as an inhalation anesthetic, but due to its slow effect, इसकी इफेक्ट स्लो है and unpleasant recovery period, कब तक पेशेंट इससे रिकवर कर पाएगा ये भी दोस्तों कई बार पेशेंट के बॉडी पे डिपेंड करता है। सो इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एन एनेस्थेटिक बाय अदर कंपाउंड, बट यस आप सपोज कर सकते हो इथोक्सी इथेन C2H5O C2H5 और CH3CH2O CH2CH3 इज एनेस्थेसिया, अगर दोस्तों केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाए सो उसके उससे दूर रहना है, अदरवाइज आप यस कॉन्शियस हो सकते हो। अभी दोस्तों फिर से अभी जो पोर्शन शुरू हुआ, आगे की नोट में मैंने जहाँ पे बताया था आपको कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आगे पढ़ने हैं वो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे और यूजफुल होगा इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस रिएक्शन इज मेनली एप्लीकेबल फॉर दी dehydration of primary alcohols and the alcohol is taken is in excess, उसकी quantity ज्यादा होगी। However, temperature is 140 centigrade must be controlled properly. ये actually dehydration की comparison में, dehydration to alkene, preparation of alkene की comparison में ये कम होना चाहिए। ये हुआ up to 1 degree और up to primary alcohol जो already हमने बात कर दी। अभी यहाँ से देखो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल SN1 मैकेनिज्म फॉर्म एल्किन्स मेनली ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है दोस्तों, मैंने आगे भी आपको बता दिया, फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज दोस्तों ये 2 डिग्री अल्कोहल है, यू कैन सी CH3CH CH3OH propane-2-ol, सो यहाँ पे ये जो भी कार्बोकैटायन बन सकता है उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये बल्की ग्रुप है, ये दूसरा बल्की ग्रुप है, अगर ये टर्शरी होता तो तीसरा भी होता। So this is called steric hindrance. As the nucleophilic attack by the alcohol on the protonated alcohol molecules does not occur. So ये सर क्या कर दिया ये पता नहीं चला। Okay,
इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मैकेनिज्म, किस तरह से ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। सो थोड़ा रिवर्स जाके दोस्तों मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट तब तक आपको ये वर्ड में भी समझ में ना आए दैट वन अल्कोहल इज अटैक टू दी अनदर प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये रिएक्शन अकर नहीं हो सकती यहाँ पे। अभी के लिए याद रखो, जस्ट अब आफ्टर दिस स्लाइड हम देख जाके दोस्तों वो मैकेनिज्म देखने वाले जो हम चुक गए हैं गलती से। सो वो मैकेनिज्म मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, हियर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्चुअली होना ये है प्रोपेन टूल के एक मोलिक्यूल में से OH और सेकेंड मोलिक्यूल में से H निकालना है, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ से OH और एक H निकल के आपको मिल रहा है प्रोपीन विथ H2O एज अ मेजर प्रोडक्ट। और अगर आपने टू मोल लिया है दोस्तों बाय चांस CH3CH3OH, सो आपको यहां से OH और H निकल के इथर ग्रुप मिले, यू कैन सी ये भी पॉसिबल है, बट वो दोस्तों उसकी कम क्वांटिटी कम होगी, दैट शुड बी योर माइनर प्रोडक्ट, वो आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। बट बिफोर दैट आपको ये पता चला होगा, मैं जल्दी से दोस्तों थोड़ा बैक जाके क्या करने वाला हूँ, आपको मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ जो हमको आगे ही समझ लेनी थी। ओके, सो इन दिस स्लाइड अगेन, ओके यहाँ पे दोस्तों वो मैकेनिज्म हम समझ सकते हैं। सो मैं आपके लिए वो मैकेनिज्म यहाँ पे ला रहा हूँ। एक्चुअली ये डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म किस तरह से हो सकती है, लेट अस सी। थ्री स्टेप में दोस्तों ये पॉसिबल होगा, अगर ये रिएक्शन बनी तो ये रिएक्शन को हम कितने स्टेप में दोस्तों पॉसिबल बना सकते हैं, थ्री स्टेप में। स्टेप वन क्या होगा, सपोज CH3CH2OH 1, 2, 3 and 4 DH plus, बिकॉज हमारी जो रिएक्शन हो रही है दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द एसिडिक मीडिया, सो H plus। सो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली अवर इथेनॉल इज वर्क एज अ बेस, वो H plus को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हमको जो कंसेप्ट मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, दैट इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सो ओ एच एंड अनदर एच, ओनली वन पेयर इज रिमेनिंग, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इन दिस स्टेप टू, स्टेप टू में क्या होगा दोस्तों, यू कैन सी ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल यहाँ पे है, सपोज CH3CH2O 1, 2 H and H N plus, and here another ethanol CH3CH2OH with the 1 and 2 lone pairs। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ सो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। इट मीन्स ये H2O निकलेगा, उसके साथ ये कार्बोकैटायन बनेगा, और ये कार्बोकैटायन पे अल्कोहल इज आल्सो वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो अगर H2O निकला, मैं यहाँ पे लिख दूँ, सपोज इतना पोर्शन यहाँ से H2O निकल गया, सो क्या बचा, CH3CH2O 1 and 2 विथ 1 हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली कहाँ पे जुड़ा, CH2CH3 से, सो वी विल गेट CH2CH3। फिर दोस्तों इसका स्टेप थ्री क्या हो सकता है, यू कैन सी स्टेप थ्री। अभी दोस्तों ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल में से अभी जो बना वो है प्रोटोनेटेड ईथर। ओके, नाउ एलिमिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन, मैं प्रोटोनेटेड ईथर दोस्तों फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3CH2O CH2CH3 एंड H। ये H क्या करेगा दोस्तों, जो हमने पहले एक्सेप्ट किया था फ्रॉम द एसिड रिटर्न होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख के एज एच प्लस रिमूव हो जाएगा, जो हमने लिया था फिर से एसिड को दे दिया, एंड अवर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस CH3CH2O CH2CH3। दोस्तों ये मैकेनिज्म ठीक से देख लेना और उसकी नोट भी ठीक से बना देना, क्योंकि ये राइटिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। राजी के लेक्चर में एंटर देखना, आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा। और फिर से दोस्तों यहाँ पे अब जितनी भी बार रिएक्शन करो, ये दोनों जो फर्स्ट अल्कोहल लिया, दिस इज अल्कोहल नंबर 1 और ये आपने सेकंड लिया, बोथ आर कॉमन,
सो फ्रॉम दिस प्रोसेस आपको मेजोरिटी कौन सा इथर मिलेगा, सिमेट्रिकल इथर ही मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों हम ये बात कर रहे थे, मैं फिर से आपको समझा दूं, सेकेंडरी टर्सरी में बिकॉज ऑफ मैं ऑल ऑफ सडन पॉइंट चेंज कर दिया दोस्तों, मैकेनिज्म से डायरेक्टली फिर से जहाँ पे थे वहाँ पे चले आए, ये प्राइमरी के लिए ठीक है, फॉर दी सेकेंडरी एंड टर्सरी दिस इज नॉट सुटेबल, सो वी विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस। ओके, इवन इन दी टर्सरी अल्कोहल दिस इज दी बल्की ग्रुप, सो स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या होगा, एल्किन फॉर्मेट, एज आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस OH and H, H2O and we will get alkene, 2-methyl propane this H2O. So, ये dehydration reaction alcohol में किस तरह के alcohol के लिए दोस्तों ये ज़्यादा appropriate है हमको देखना है, more appropriate for the primary, I mean to say 1 degree, then 2 degree, then 3 degree, 3 degree में ये reaction सबसे कम possible है, even 2 degree में भी इतनी possibility नहीं है, but yes for the 1 degree this is possible. और कौन सी मैकेनिज्म होगी ये भी याद रखना है, SN1 मैकेनिज्म, दिस इज द एडिशनल डिहाइड्रेशन, ये भी दोस्तों डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल है, यहाँ से भी आपको इथर मिलेगा, बट फिर से दोस्तों फॉर द जीएन नीट, नो नीड फॉर द बोर्ड एग्जाम, दैट इज कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, यही दोस्तों अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ही करना है, एक्सेस अल्कोहल है के ज्यादा क्वांटिटी में, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक एल्यूमिना at a higher temperature. So, in the presence of alumina at 250 degree centigrade temperature, if you didn't have alumina, then you can take thiourea also. What is thiourea? NH2CONH2 is urea. Then NH2SONH2 is thiourea. Yahi hoga? Or NH2CSNH2. Okay. So, ये क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप में भेजना है, थायोयूरिया कौन सा है, ओके, और आपके पास कोई तीसरा स्ट्रक्चर अवेलेबल है दैट दिस इज थायोयूरिया, यू कैन साइन मी, और आप ये इजीली गूगल कर पाओगे, आपके पास ये स्ट्रक्चर इजीली मिल जाएगा। आई जस्ट वांट टू चेक आप में से कितने बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है। ओके, 2 moles ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन C2H5OC2H5 एंड H2O। अभी दोस्तों ये पोजीशन में, ये रिएक्शन में भी कुछ नोट्स हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ टू अल्कोहल इज सब्जेक्टेड टू द डिहाइड्रेशन विद L2O3 एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140, जो ऑलरेडी हो चुका है, ये दोस्तों वो रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में है, और ये पहली कंडीशन जो अभी कैटालिटिक है, दोनों का एक साथ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगर दो डिफरेंट, जैसे अब तक हमने बात की 2 mole ऑफ इथेनॉल, 2 mole ऑफ प्रोपेनॉल, 2 mole ऑफ इथेनॉल, सपोज अलग अलग हुआ, आई मीन टू से CH3CH2OH, तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, प्रॉब्लम आएगी, वी विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या मिक्सचर होगी? CH3OH के 2 mole में से मिथोक्सी मिथेन बनेगा, CH3CH2OH के 2 mole में से इथोक्सी इथेन बनेगा, एंड 1 methanol एंड 1 ethanol मिथोक्सी इथेन बनेगा। यू कैन सी R1OH एंड R2OH। सो R1, दो R1OH भी प्रोडक्ट हो सकती है, 2 times R2OH भी हो सकती है, 1 R1 एंड 1 R2 ये भी हो सकता है। दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पे अनसिमेट्रिकल इथर बनाना सुटेबल नहीं है। अगर आपने ट्राई भी की तो आपको क्या हो सकता है, आपको दोस्तों यहाँ पे मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट मिल सकता है। देन यू कैन सी इथेन इथल अल्कोहल और दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल। So from the ethyl alcohol you can see ethoxyethane, then propoxypropane, then उसके अलावा क्या मिलेगा, ethyl propyl ether भी मिलेगा, और you can say ethoxypropane भी मिलेगा। So mixture होगा, that's why दोस्तों ये reaction ज्यादा suitable नहीं है। ये reaction से आप क्या कर सकते हो, you can make only symmetrical ethers. We have one question from the textbook exercise, how is the 1-propoxypropane synthesized from the propane 1-ol, right mechanism? ये दोस्तों आपका propane 1-ol है, 2 mole, और यहां से आपको क्या बनाना है, CH3CH2CH2O CH2CH2CH3 बनाना है, propoxypropane symmetrical है, और with mechanism
उस तो मैंने आगे आपको बताया था ये मैकेनिज्म याद रखना यूज होगा। सो वो मैकेनिज्म यूज हो करके ये क्वेश्चन खुद से कंप्लीट करना है। तीन स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इन द सेकंड स्टेप आपको क्या मिलेगा प्रोटोनेटेड इथर, एंड द लास्ट स्टेप टर्मिनेशन ऑफ द प्रोटोन यू विल गेट इथर। सो इन द फर्स्ट स्टेप रिपीट दोस्तों आपको मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, देन सेकंड स्टेप प्रोटोनेटेड इथर, एट लास्ट यू विल गेट इथर। सो ये मैकेनिज्म के साथ आप बना सकते हो। मैंने वहां पे दोस्तों ये इथोक्स प्रोपेनॉल है, सिमिलर क्वेश्चन देखा था जहां पे हमने यूज किया था इथेनॉल। सो इथेनॉल से कर लिया है, प्रोपेनॉल से ट्राई करना है इन योर होमवर्क। सो ये होमवर्क में रहेगा, इसके लिए आप यूज कर सकते हो वही स्लाइड फिर से। देयर इज वन मोर क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ इथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल, गिव रीजन। इसका दोस्तों अगर सिंगल वर्ड में रीजन देना है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये हिंड्रेंस का स्पेलिंग में फिर से लिख रहा हूं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस दोस्तों ये रिएक्शन ठीक से नहीं हो पाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस इज द बल्किनेस, उसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा, आपको पता है। और आपने अगर करना भी चाह सो आपका मेजर प्रोडक्ट इथर बनने के बजाय क्या हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये दोस्तों ऑलरेडी हमने कर लिया है, सो आप इसका भी आंसर इजीली दे पाओगे। आई होप दोस्तों आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा, सबसे इजी था। रिपीट करना है, वीडियो देखना है, एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है, कुछ एडिशनल पॉइंट थे उसको भी देखना है, फिर भी कोई दिक्कत आए देन आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।